हेलो व्हाट्स अप गाइस, कैसे सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज इस वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूँ लोन वुल्फ के बारे में। क्योंकि गाइस लोन वुल्फ पहले भी आया था, मुझे पता है गाइस, लेकिन उसके बाद जो लोन वुल्फ का नेक्स्ट लेवल वर्जन आया ना गाइस रैंक, उसको खेलने में तो अलग ही मज़ा आता है। वैसे तो गाइस बहुत सारे मोड आते हैं लेकिन मुझे उसमें से कोई पसंद नहीं आता, लेकिन जो रैंक लोन वुल्फ है ना गाइस वो नेक्स्ट लेवल है। क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया ये मोड, बिकॉज इसको खेल के यू नो आप बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि सामने प्लेयर्स बहुत अच्छे आते हैं। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं हीरोइक पहुंचते हो तो इससे आपका गेम लेवल बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। मैं अपने सारे भाइयों से रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि गाइस आप लोग जाकर लोन वुल्फ ट्राई जरूर करना और हीरोइक पहुंचने की कोशिश करो। अगर आप लोगों को लोन वुल्फ में हीरोइक पहुंचना तो इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखना गाइस, बहुत ही आराम से पहुंच जाओगे क्योंकि मैं बहुत सारी टेक्निक्स बताने वाला हूं आपको। नंबर वन, टैग एंड रश। अब टैग कैसे करना है, इसके लिए बहुत सारे करेक्टर्स है एंड पेट की एबिलिटीज है जिससे एनिमीज को टैग कर सकते हैं, जैसे कि मोको। क्योंकि गाइस मोको एंड ड्रैकी दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ड्रैकी जो है गाइस अगर कोई एनिमी 30 मीटर के रेडियस के अंदर है और अगर वो मेडिकेट लगाता है तो आपको पता चल जाएगा। एंड इसके साथ शीरो भी अच्छा है, बट शीरो उस लेवल तक का नहीं है गाइस जो मोको एंड ड्रैकी का जो कॉम्बिनेशन है। सो गाइस मेरा एडवाइस तो यही है कि गाइस ट्रैक्टर में यूज करो मोको एंड पेट में यूज करो आप ड्रैकी को। सो गाइस जैसे कि आप लोग भी देख सकते हो, मैं भी मार रहा हूँ मेडिकेट, तो गाइस इस बंदे को डैमेज दिया। अब मैं देखो डैमेज दूंगा, अब मेरा मोको वहाँ पे चिपक गया। सो गाइस अब मैं ऐसे फटाफट से निकलने की कोशिश करूंगा, पर लेकिन गाइस अब वो लगा रहा होगा मेडिकेट, अब मेरे उसमें मोको दिख रहा है, तो मुझे क्या करना है, उसको टैग कर दिया मैंने, आपसे रश करना है ताकि वो देखो बच सके। और ये देखो गाइस ऐसे हमें रश करते जाना है। वेल इसको भी देखो, अभी मैं जा रहा हूँ एनिमी के पास, अब मैं एनिमी के फुटस्टेप्स है, मैंने उसको दिया डैमेज, अब वो हो गया टैग गाइस। अब वो जहाँ भी भागने की कोशिश करेगा, पर मैंने उसको टैग कर दिया, अब मुझे बस जाकर उसे रश करना है और बस ऐसे हम इसको टैग करके रश कर सकते ताकि एनिमी को बचने का मौका ही ना मिले। सो गाइस इस टेक्निक का मेन मोटिव यही है कि हमें सामने वाले एनिमी को टैग करना है और उसे रश करना है, उसको कहीं भागने का मौका ही नहीं देना और ना उसको मेडिकेट लगाने का टाइम देना है। तो गाइस उस पर हमें रश पे रश करते जाना है। अभी ये देखो अभी मैं जा रहा हूँ उस एनिमी को ढूंढते हुए, पर लेकिन वो एनिमी मुझे दिख नहीं जाता, लेकिन जैसे मुझे दिखेगा मैं उस पर हल्का से एम चिपकाऊंगा ताकि उस पर टैग हो जाए। तो गाइस सामने एनिमी आया, मैंने उस पर एम चिपकाया, चाहे भले ही कम डैमेज पड़ा लेकिन अब वो टैग हो चुका है गाइस। अब वो जहाँ भागने की कोशिश करेगा बस हमें रश करना है। अगर देखो अभी दोबारा मैंने टैग करा, उसको बस टैग करना है, उस पर रश करते रहना, बस इस एम का मोटिव यही पे गाइस टैग कर रश करना है गाइस। वंस अगेन गाइस इस बार ओम के साथ ये हमने करा उस पर टैग एंड उसको दोबारा से इसमें एक और उसके साथ रश कर दिया गाइस, सिंपल है बस। वेल सेकेंड ट्रिक की बात करें तो गाइस आप ऐसे वेपन चूज करो जो आप बहुत अच्छे से चला सकते हो, बट मेजोरिटी ऑफ प्लेयर्स मतलब ज्यादातर प्लेयर उसको अच्छे से चलाना नहीं जानते हैं, जैसे कि डबल स्नाइपर एंड सिंगल स्नाइपर। बिकॉज मुझे पता है कि मैं उन दोनों चीज़ों को अच्छे चला सकता हूँ, पर लेकिन सामने वाले ज्यादातर लोग उसे चलाना नहीं पसंद करते गाइस, ये उनसे चलती नहीं है। सो कहीं ना कहीं गाइस मुझे इस चीज़ का एडवांटेज मिल ही जाता है जब मैं सिंगल या डबल स्नाइपर चूज करता हूँ। तो मतलब मेरी बात तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं मतलब आप लोगों को कहना क्या चाहता हूँ। सो ऐसे वेपन चूज करो जो लोग बहुत कम चलाते हो ताकि आप लोगों को दो पॉइंट्स की एडवांटेज में हमेशा रहो। तो गाइस जैसे आप सामने देख सकते हो मैंने इस बार चूज करा है स्पार्क, जो लोग बहुत कम इस्तेमाल करते हैं और आपको अगर अच्छे चलाना आता हो तो आप उसको चलाओ अच्छे से ताकि सामने वाले एनिमी को आप उसको मतलब हरा सको। देखो गाइस अब इसको सामने स्पार्क चलाना नहीं आता, तो मैंने स्पार्क चलाया और मैंने उसको किल कर दिया गाइस। इसका मतलब ऐसे वेपन चूज करो जो आपको बहुत ही अच्छे चलाना आते हो या फिर सामने वाले को चलाना बहुत अच्छे से ना आते हो, समझ रहे ना मेरी बातों को। और गाइस अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद साइड में बेल आइकन बना आएगा उसे क्लिक कर ऑल पर सेट कर देना गाइस, ठीक है। एंड हाँ गाइस इसके बाद हम बात करने वाले अपनी अगली टेक्निक के बारे में जो कि यहाँ पे होने वाली है कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। सो गाइस आप लोग कैरेक्टर में इस्तेमाल कर सकते हो स्काइलर या फिर वुकोंग को गाइस। वैसे स्काइलर बहुत बढ़िया है लेकिन आप लोग अगर आपका स्काइलर नहीं है तो आप इस्तेमाल कर सकते हो वुकोंग भी, बट वुकोंग के साथ आप तीन एबिलिटी और लगा सकते हो, जैसे कि हो सकता है कैली, हयातो एंड एक और एबिलिटी है जो होने वाली है लियोन की गाइस। क्योंकि गाइस अगर आप फाइट लेते हो 30 सेकंड का ब्रेक लेते हो, मतलब आप फाइट के बीच में ब्रेक लेते हो तो आपकी एचपी जो होगी गाइस वो फुल होती रहेगी, या फिर आप इसकी जगह लगा सकते हो मैक्सिमम या फिर हयातो पर। लेकिन मैं अगर आपको रिकमेंड करना चाहूंगा लियोन की एबिलिटी का, ये कुछ कैरेक्टर कॉम्बिनेशंस थे जो कि मुझे लगते हैं कि ये बेस्ट है फॉर द लोन वुल्फ। गाइस जैसा कि अभी आप लोग समझ देते हो मैंने इसको करा टैग, मैंने इसको डैमेज दिया और मैंने यहाँ पे लगा लिया अपने ग्लू वॉल। अब मुझे गाइस देखो वो मुझे दिख रहा है वो सामने बंदा है और उसने स्काइलर का इस्तेमाल करा गाइस, स्काइलर है बस बेस्ट, लेकिन हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया गाइस अपने लेजेंडरी कैरेक्टर को, वो है वुकोंग गाइस। इस वक्त देखो गाइस वो यहाँ से भाग चुका है क्योंकि गाइस उसे लग रहा है कि वो हमें मार नहीं सकता, उस पर डिफॉल्ट टीम काम नहीं करता। हमने यहाँ पे लगा सकते इसकी हेल्प से हम यहाँ पे मेडिकेट कर सकते हैं, अपने आप को हील कर सकते गाइस। और जैसे कि अब वो सामने आएगा मैंने अपने आपको हील कर लिया गाइस, अब मैं जैसे उसको सामने आएगा मैं उसको दोबारा मार पाऊंगा, इससे हम आसानी से पूरे गेम को जीत सकते हैं। एंड गाइस आपका जो फोर्थ कैरेक्टर की एबिलिटी है गाइस आप उसे चेंज कर सकते हो, या फिर लियोन की लगा सकते हो या फिर मैक्सिमम या फिर हयातो, जो आपका मन करे आप उसे लगा सकते हो। फोर्थ गाइस जो फोर्थ कैरेक्टर है वो ऑप्शनल है लेकिन मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा लियोन लगाओ गाइस, लियोन इज द बेस्ट।
वेल गाइज, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वीक की तरफ जो है यूज़ ईयरफोन्स। तो गाइज अगर आप लोग ईयरफोन को यूज़ नहीं करते तो गाइज आज से लगाना शुरू कर दो। गाइज अगर आप ईयरफोन्स का यूज़ करोगे एनिमीज़ के फुटस्टेप जल्दी मिलेंगे, जिससे कि आप अंदाजा लगा पाओगे जो एनिमी आपकी तरफ कहाँ से अटैक कर रहा है और आप कवर ले सकते हो। गाइज हमेशा ईयरफोन्स को जरूर इस्तेमाल करो गाइस, क्योंकि मेरे ईयरफोन्स तो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। मैं अपना ईयरफोन्स लगा के खेलता हूँ, जिससे आप लोग देख सकते हो मैं कितना अच्छा खेल पाता हूँ, क्योंकि गाइस मुझे एनिमीज़ के फुटस्टेप्स पहले ही मिल जाते हैं और मैं अपना फुल प्रोटेक्शन लेते हुए खेलता हूँ। सो गाइस हमारी पाँचवीं ट्रिक होने वाली है इफेक्टिव यूज़ ऑफ थ्रोएबल्स। सो गाइस जो थ्रोएबल्स होते हैं वो हम ऐसे ही फेंक देते हैं या फिर बहुत लोगों को यूज़ करना नहीं आता, जैसे कि जो हमारे आइस ग्रेनेड हो गए या फिर स्प्लैशबैंग हो गए। तो गाइस उसे हमें बिल्कुल ही प्रॉपर वे में यूज़ करना है। पहले हमें एनिमी को डैमेज देना है, उसके बाद जैसे वो छुपने की कोशिश करेगा या फिर मेडिकेट लगाने की कोशिश करेगा उससे हमें उसको इस्तेमाल करना है, ताकि वो मेडिकेट ना लगा पाए। और आपको फर्स्ट रूल तो पता ही है, टैग एंड रश। तो गाइस उसको टैग आपने कर ही दिया होगा और उसके सीधे जाकर उस पर रश करना है। सो गाइस अगर आप लोग मेरे दिए गए सारे ट्रिक्स को यूज़ करते हो तो आप बहुत ही जल्दी और आसानी से हीरो पहुँच सकते हो। तो गाइस अभी आप लोग कौन से रैंक पे हो सके कमेंट में ज़रूर बताना। आज की वीडियो में गाइस इतना ही, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे से बात करने के लिए इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड को फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।